हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी पिछली वीडियो में हमने बातचीत की थी द सोशल स्टेटस ऑफ वीमेन ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया। तो अभी तक हमने गुप्त काल तक उनकी सामाजिक स्थिति का वर्णन किया और गुप्त काल के दौरान हमें जो है एक एरन इंस्क्रिप्शन मिलता है विच इज डेटेड बैक टू 510 AD एंड इंटेल्यूटेड बाय राजा भानुगुप्ता, और इसको राजा भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। द इंस्क्रिप्शन हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है और इसमें हमें सती प्रथा का पहला आर्क्योलॉजिकल एविडेंस मिल जाता है। तो इसके बाद जो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है, तो हर्षवर्धन के समय में भी सती प्रथा का साहित्यिक प्रमाण या लिटरेरी एविडेंस जो है वो हमें मिलता है। और ये साहित्यिक प्रमाण है हर्षचरित। हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी है। इट मींस इट इज बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन विच वाज कंपोज्ड बाय बाण भट्टा हु वाज द कोट राइटर और कोट पॉइंट ऑफ हर्षवर्धन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के समाज में या प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल के दौरान अच्छी थी। उन्हें बहुत सारे राइट्स जो हैं वो मिले हुए थे। बट इन कोर्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड और सूत्रा पीरियड द सिचुएशन वॉज डिग्रेड। उनकी जो स्थिति थी उसमें गिरावट देखने को मिलती है। और फिर महाजनपदा पीरियड के दौरान तो स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। द सिचुएशन बिकेम वर्स्ड ड्यूरिंग महाजनपदा पीरियड। महाजनपद काल के दौरान दहेज प्रथा, छुआछूत और वैश्यावृत्ति जैसी प्रथाएं भी जो हैं समाज के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। बट जो मौर्य काल है, मौर्यकालीन राजाओं ने इसमें थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौर्य रूलर चंद्रगुप्ता मौर्य वाज़ द फर्स्ट रूलर और एम्परर इन इंडिया हु अपॉइंटेड वेमेन्स एज हिज गार्ड्स। वो पहला राजा था जिसने महिलाओं को जो है अपनी अंग रक्षक के रूप में नियुक्त करना शुरू कर दिया था। और फिर हिज ग्रैंड सन अशोका अपॉइंटेड देम इन द ऑफिस ऑफ धम्मा महामाताज। और फिर उसके पोते चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने महिलाओं को जो है धम्म महामात के पद पर नियुक्त करना शुरू कर दिया था। और चाणक्य ने भी अपनी अर्थशास्त्र में जो है महिलाओं को ये अधिकार दिया कि वे भी जो है एक ऐसे व्यक्ति से या एक ऐसे पुरुष से अपने वैवाहिक संबंध का विच्छेद कर सकती हैं जो उनके जो अपने दायित्वों को उनके प्रति पूरा ना करते हों। और उसके बाद जब पोस्ट मौर्य पीरियड आया तो हम देखते हैं कि बाल विवाह या चाइल्ड मैरिज भी जो है स्टार्ट हो जाता है। एंड वी फाइंड द एविडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज इन मनुस्मृति। एंड देयर आफ्टर इन गुप्ता पीरियड वी सी वन मोर ड्रॉबैक, सती प्रथा वॉज एडेड इन टू द सोसाइटी। और उसके बाद जो है सती प्रथा जैसी भी एक ड्रॉबैक जो है सोसाइटी में ऐड हो जाती है। तो अब कुल मिलाकर ये सारी बुराइयां हमें प्राचीन भारतीय समाज के भीतर महिलाओं के प्रति दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये महिलाओं की भूमिका को समाज के भीतर सीमित करती हैं और कुछ ही विशेष कार्यों तक उनकी भूमिकाओं को रखती हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये लिंग की अवधारणा को जन्म देता है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट यहाँ से अगर बात करें, सो वी कम ऑन द मिडिवल पीरियड, यानी मध्यकालीन भारत। एंड ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड मध्यकालीन भारत, सो ड्यूरिंग दिस मिडिवल पीरियड वी ऑब्जर्व सम a new type of social drawbacks regarding women emerged. इस दौरान महिलाओं के प्रति कुछ नई तरह की सामाजिक बुराइयां समाज में पैदा हुई। तो here
कुछ नई सामाजिक बुराइयों में, इसमें सबसे पहले था सेल्फ इमोलेशन, यानी कि इसको कहा जाता है जौहर प्रथा। जौहर प्रथा, और ये जो जौहर प्रथा था, इट वॉज वेरी कॉमन इन राजपूत्स। जब भी राजपूत राज्यों पर मुस्लिम आक्रमण होते थे, और अगर राजपूत शासक जब हार जाते थे और वहां पर सारे पुरुषों को कत्लेआम कर दिया जाता था, यानी कि उनको एसेसिनेट कर दिया जाता था, तो ऐसी स्थिति में जो राजपूतानियां होती थी, जो वहां की महिलाएं होती थी, वे सामूहिक रूप से जो है जौहर व्रत को धारण करती थी और आत्मदाह कर लेती थी। तो इसको कहा जाता था सेल्फ इमोलेशन। इसके बाद एक और चीज जो हमें दिखाई देती है, दैट वॉज द प्रदा प्रथा। पर्दा प्रथा, तो अब पर्दा भी स्टार्ट हो गया था। राइट नाउ द वीमेन स्टार्टेड टू गेट इन वेल। अब महिलाएं जो हैं घूंघट में आने लगी थी, पर्दा स्टार्ट करने लगी थी। तो इसका भी कारण जो है एक्सटर्नल इन्वेजन्स थे, बाह्य आक्रमण थे, जो मुस्लिम आक्रमण होते थे उनकी वजह से वे अब पर्दे में रहने लग गई। और जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज थी वो थी फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि बालिका शिशु हत्या। हत्या, तो अब ये भी खास तौर पर राजपूतों में प्रचलित थी कि जो लड़की जब भी पैदा होती थी तो अक्सर राजपूत जो है लड़कियों का वध कर देते थे, उन्हें मार देते थे। इसका कारण उनको संभवतः ये लगता था कि अगर राज्य पर मुस्लिम आक्रमण हो गया और ये बच्चियां अगर मुस्लिम के हाथों पड़ गईं तो इनकी बहुत बुरी गत होगी, तो इससे पहले कि हम इनको समाप्त कर दें। तो इस तरह से ये बुराइयां, ये जो ड्रॉबैक्स थी, ये मिडेवल पीरियड के दौरान महिलाओं के प्रति समाज में देखने को मिलती है। इसके बाद अब हम आते हैं कॉलोनियल पीरियड या मॉडर्न पीरियड पर। इसके बाद हम अब औपनिवेशिक काल या आधुनिक काल में महिलाओं के प्रति जो भी सोशल ड्रॉबैक्स थी उन पर बातचीत करते हैं। तो देखिए, अब आ जाइए मॉडर्न पीरियड पर। या इसको हम कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं। सो दिस पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर एग्जाम। हमारे जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि देखो, आपने देखा कि एंसेंट टाइम से ही जो है सोशल ड्रॉबैक्स जो है वो जमा होने लगी। यहाँ आते आते जो है वो बहुत सारी ड्रॉबैक्स एक साथ हो गई। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इस मॉडर्न पीरियड में कौन कौन सी सोशल ड्रॉबैक्स जो है हमारी सोसाइटी में प्रिवेल्ड हो गई थी, प्रचलित हो गई थी महिलाओं के प्रति। तो देखो, जो ड्रॉबैक्स हैं इस समय वो क्या है। तो सोशल ड्रॉबैक्स के रूप में नंबर एक कल्ट ऑफ सती, यानी सती प्रथा। दूसरा पर्दा प्रथा। तीसरा
चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, जौहर प्रथा, सेल्फ इमोलेशन, डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा और इसके अलावा दहेज प्रथा इसके अलावा हमारे समाज में जो है पॉलीगेमी यानी बहुविवाह प्रथा, तो ये ड्रॉबैक्स या ये सोशल ड्रॉबैक्स हमारी समाज में एकत्रित हो गई थी। अब इनको कैसे समाप्त किया जाए, इनको कैसे समाप्त किया जाए, यही जो है सोशल रिफॉर्म्स बनेंगे, इन्हीं पर आधारित समाज सुधार के कार्यक्रम चलेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर जो हमारा मॉडर्न पीरियड है या कॉलोनियल पीरियड है, उस पीरियड में ऑलरेडी बहुत सारी सोशल ड्रॉबैक्स वीमेन रिलेटेड जो है प्रेजेंट थी, मौजूद थी, और उस समय के विचारकों ने, उस समय के जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, उसने इन ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए तरह तरह के मूवमेंट चलाए, तरह तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस्टेब्लिश की। तो उन्हीं को अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। तो कुल मिलाकर मैं उन ड्रॉबैक्स को के लिए जो रिफॉर्म मूवमेंट हुई है, सोशल रिफॉर्म्स जो हुई है, उन रिफॉर्म्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तो वो रिफॉर्म 19th सेंचुरी में हुई है, 19वीं शताब्दी, और दूसरे वो रिफॉर्म 20th सेंचुरी में हुई है, यानी कि 20वीं शताब्दी में हुई है। तो 19वीं शताब्दी में होने वाले रिफॉर्म्स कौन कौन से थे? तो 19वीं शताब्दी में जो रिफॉर्म्स हुई हैं उनमें एक तो था टर्मिनेशन ऑफ सती, यानी कि सती प्रथा का अंत। सो दैट टर्मिनेशन ऑफ सती वॉज डन इन 1829, ओके। एंड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सती, राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर हु रेज्ड वॉइस अगेंस्ट सती सिस्टम, एंड दैट्स वाई राजा राम मोहन रॉय इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया और द फादर ऑफ इंडियन रिनेशा। उनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है या भारतीय समाज सुधारों का पिता कहा जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। स्वयं उनकी भाभी को जो है सती कर दिया गया था, उसके बाद उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जो है एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टार्टेड पब्लिकेशन ऑफ बंगाली जर्नल संवाद कौमदी, एंड द संवाद कौमदी वॉज ब्रॉट अगेंस्ट सती सिस्टम, एंड इट यूज्ड टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन अमंग द पीपल अगेंस्ट सती सिस्टम। एंड द सेकेंड थिंग विच ही डिड, दैट वॉज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रह्मो सभा इन 1828, एंड द ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मो सभा विच टर्न्स इनटू ब्रह्मो समाज इन लेटर,
इट वॉज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट सती सिस्टम। फिर उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया और ब्रह्म सभा को गठित करने का उद्देश्य भी सती प्रथा का अंत करना ही था, सती प्रथा के विरुद्ध लड़ना था। तो फाइनली हियर वी शुड मेमोराइज इट, देर वर द टू इम्पॉर्टेंट टूल्स विच वर यूज बाई राजा राम मोहन रॉय अगेंस्ट सती सिस्टम। द फर्स्ट वॉज द जर्नल संवाद कॉमेडी विच वॉज पब्लिश्ड इन बांग्ला लैंग्वेज एंड सेकेंड वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज ब्रह्म सभा। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1828 एंड बाई द प्रेशर ऑफ राजा राम मोहन रॉय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू bring an act or a regulation against sati system in 1829 and that time governor general of india was william bentinck। to 1829 mein ek regulation laya gaya tha 17 regulation 17 and under this regulation 17 the sati system was terminated aur is adhiniyam 17 के अंतर्गत सती प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया था। तो सती सिस्टम जो है 19th सेंचुरी में खत्म हुआ और इसके पीछे राजा राम मोहन रॉय की बड़ी भूमिका थी। ठीक, फिर दूसरा जो था इसमें वो था इशू वीडो रिमैरिज का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वीडो वीडो रिमैरिज एक्ट 1856 लाया गया। तो वीडो रिमैरिज के सपोर्ट में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे पहले आवाज उठाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह और बहुविवाह नामक किताबें लिखी, पुस्तकें लिखी और लोगों के बीच जागरूकता फैलाई। उन्होंने स्पेशली इसके लिए कैंपेन भी चलाया और अंततः सरकार पर दबाव बना और 1856 में डलहौजी के समय में, जब डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो उसके समय में जो है वीडो रिमैरिज एक्ट 1856 लाकर जो है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दे दिया गया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की इसमें अहम भूमिका थी और आपको याद रखना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है दो किताबें भी लिखी हैं इस पर, एक है विधवा विवाह और एक है बहुविवाह। ये दोनों किताबें ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो था फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट 1870। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट वॉज ब्रॉट बाय लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, या लॉर्ड मेयो के, जब लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय था उसके समय में जो है ये एक्ट ला दिया गया था और जो बालिका शिशु हत्या है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो चाइल्ड मैरिज पर काम किया गया। चाइल्ड मैरिज, तो 19th सेंचुरी के दौरान चाइल्ड मैरिज पर दो महत्वपूर्ण एक्ट लाए गए थे। पहला था सिविल मैरिज एक्ट 1872। तो जो सिविल मैरिज एक्ट 1872 था, इस मैरिज एक्ट के तहत दो एक्ट आए थे। नंबर एक, सिविल मैरिज एक्ट 1872, इट वॉज ब्रॉट बाई लॉर्ड मेयो टू। इसे भी लॉर्ड मेयो के द्वारा लाया गया था और इसके द्वारा जो मैरिजेबल एज थी गर्ल्स के लिए वो 14 वर्ष कर दी गई, 14 ईयर्स, और बॉयज के लिए 18 ईयर्स कर दी गई थी। इसके बाद आया था कंसेंट मैरिज एक्ट 1891। कंसेंट मैरिज एक्ट 1891 लाया गया
और इसमें गर्ल्स के लिए जो मैरिज एज थी वो 12 इयर्स कर दी गई थी, 12 वर्ष कर दी गई थी। इस पर बहुत हंगामा हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाई 19th सेंचुरी में जो है टर्मिनेशन ऑफ सती सिस्टम हो गया, 1829 में वीडो रिमैरिज एक्ट आ गया, 1856 में फीमेल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड एक्ट आ गया 1870 में, और जो है चाइल्ड मैरिज के रिस्पेक्ट में दो एक्ट लाए गए, उनमें ये सब हुआ। अब इस दौर में एक और महत्वपूर्ण काम था कि महिलाओं की शिक्षा के लिए भी काम किया गया। तो द विमेन एजुकेशन राइट नाउ, तो महिलाओं की शिक्षा पर 19वीं शताब्दी के दौरान जो महत्वपूर्ण काम किए गए उनमें सबसे पहले हम ग्रेट रिफॉर्मर सावित्रीबाई फुले का नाम लेंगे। सावित्रीबाई फुले ने जो है 1848 में महाराष्ट्र यानी बॉम्बे के भीतर महिला विद्यालय स्थापित किए, लड़कियों के लिए पाठशालाएं स्थापित की थी, और उन्होंने एक पोएम भी लिखी थी गो गेट टू स्कूल। तो ये उन लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए पोएम लिखी गई थी, लड़कियों के माता पिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए या उन्हें इंस्पायर करने के लिए पोएम लिखी गई थी ताकि वे अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें। तो यानी कि राइट नाउ द फीमेल एजुकेशन, यानी कि महिला शिक्षा पर बात की गई। तो महिला शिक्षा के बारे में सबसे पहले तो जो है सावित्रीबाई फुले ने काम किया एंड सी स्टार्टेड स्कूल फॉर गर्ल्स इन 1848। उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए काम किया वे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं बेथुन स्कूल के सेक्रेटरी थे, सचिव थे, और ये स्कूल 1849 में इस्टेब्लिश हुआ था कैलकटा में। तो इसके सचिव रहे, इसके सचिव रहते ही इन्होंने जो है बालिकाओं को विद्यालय में या बेथुन स्कूल या बेथुन कॉलेज में एंट्री दिलवाने के लिए जो है एक मूवमेंट या कैंपेन स्टार्ट कर दिया था, और बहुत सारी जो लड़कियों को इन्होंने अपने कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, और ये सफल रहा ये मूवमेंट। और उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की थी कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट, फीमेल ग्रेजुएट ऑफ बेथुन कॉलेज कैलकटा यूनिवर्सिटी। तो कादम्बनी गांगुली ने आगे चलकर, कादम्बनी गांगुली ही कांग्रेस के सेशन को एड्रेस करने वाली फर्स्ट फीमेल बनी। उन्होंने 1890 में कलकत्ता सेशन को कांग्रेस के एड्रेस किया था। तो विद्यासागर का योगदान रहा। विद्यासागर ने जो है सोम प्रकाश नाम से एक जर्नल भी स्टार्ट किया था बांग्ला भाषा में, जिसने महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा, इसके बाद अगर हम बात करें तो स्वर्ण कुमारी, इन्होंने महिलाओं के संबंध में बहुत अच्छा कार्य किया। स्वर्ण कुमारी ने एक सखी समिति का गठन किया था। स्वर्ण कुमारी द्वारा 1882 में 1882 में स्वर्ण कुमारी फाउंडेड अ सखी समिति। स्वर्ण कुमारी वॉज द सिस्टर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी, और इन्होंने सखी समिति नाम से एक महिला संगठन बनाया था, एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इस विमेन ऑर्गेनाइजेशन का काम था महिला शिक्षा को प्रमोट करना, विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, और जो है विमेन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। जो विधवाएं होती थी या जिन विमेन्स को उनके घर से घर वालों ने छोड़ दिया होता था, हु वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर
फैमिलीज जो महिलाएं उनके परिवारों से बहिष्कृत कर दी जाती थी, तो उनको ट्रेनिंग देती थी स्वर्ण कुमारी की जो ये सखी समिति थी। और इन्होंने एक फीमेल जर्नल भारती का भी प्रकाशन आरंभ किया था, सी ऑल्सो स्टार्टेड पब्लिकेशन ऑफ फीमेल जर्नल भारती। इसके बाद नंबर आता है पंडिता रमाबाई का। तो पंडिता रमाबाई ने 1882 में पुणे में जो है आर्य महिला समाज का गठन किया था, पंडिता रमाबाई। देन पंडिता रमाबाई, तो पंडिता रमाबाई फाउंडेड आर्य महिला समाज इन 1882। इसके अलावा इन्होंने जो है शारदा सदन को स्टैब्लिश किया था, शारदा सदन 1889 में। तो पंडिता रमाबाई का जो आर्य महिला समाज था या शारदा सदन था, ये भी उन महिलाओं को सपोर्ट करता था या उन महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाता था जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था या जिनको घर वालों ने बाहर निकाल दिया था या जो घर वालों के अत्याचार से त्रस्त होती थी, तो उन महिलाओं को ये सपोर्ट करती थी ये दोनों संस्थाएं। इसके अलावा अगर हम इस दौर में आगे बढ़ें तो इस दौर की एक बहुत ही प्रमुख महिला थी जिनका नाम था ताराबाई शिंदे। सो ताराबाई शिंदे रोट स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने समाज का ध्यान इस ओर खींचा कि स्त्रियों या महिलाओं की जो कुदशा है, महिलाओं का जो सोशल स्टेटस खराब है समाज में, तो वो समाज के पेट्रियार्किकल ढांचे की वजह से है। जो समाज का ढांचा पितृ सत्तात्मक ढांचा है उसकी वजह से महिलाओं की दुर्दशा हो रही है, तो उस पितृ सत्तात्मक ढांचे को कहीं ना कहीं तोड़ने की आवश्यकता है। इस पर उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक अपनी किताब लिखी ताराबाई शिंदे ने, तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम था। और इसके अलावा इस दौर में एनी बेसेंट एक और महिला हुई, हालांकि एनी बेसेंट एक बाहर की महिला थी लेकिन वे जो हैं भारत आई और उन्होंने भारत में काफ़ी सारे महिलाओं के रिस्पेक्ट में काम किए। उन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया था बनारस में, जो आगे चलकर BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में जानी गई 1916 में। तो ये कुल मिलाकर 19वीं शताब्दी के दौरान यानी 19th century के दौरान महिलाओं के संबंध में हुए सुधार थे। अब अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें, यानी 20th century की बात करें, तो यहाँ पर भी बहुत सारी महिलाओं के नाम हमें सुनाई देते हैं, जैसे सरला देवी चौधरानी थी। तो सरला देवी चौधरानी ने 1901 में यानी कि 1901 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की। भारत स्त्री महामंडल वॉज फाउंडेड बाय सरला देवी चौधरानी इन 1901। उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ें तो इसी दौर में बेगम रुकैया सखावत हुई। बेगम रुकैया सखावत ने बंगाल में और पटना में यानी बिहार के भीतर महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश किया था 1911 में। इसके बाद अगर हम और आगे चले तो इसी दौर में फिर से एनी बेसेंट का नाम आता है। एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट को स्टार्ट किया था, विच वॉज ऑन द लाइन ऑफ आयरिश होम रूल लीग। उसके बाद उन्होंने 1917 में इंडियन वीमेन कॉन्फ्रेंस का गठन किया था मद्रास के भीतर। और इसके बाद 1917 में ही एनी बेसेंट ने जो है कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस को कांग्रेस की मतलब प्रेसिडेंट बनी। सी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कौन? एनी बेसेंट। और इसके अलावा अगर हम और आगे देखें तो हमें इस
लाइन में सरोजिनी नायडू दिखाई देती है। 1925 में सरोजिनी नायडू भी जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, वह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही। और 1930 में सरोजिनी नायडू ने सॉल्ट सत्याग्रह, यानी कि जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था उसमें भाग लिया और उन्होंने महिलाओं को जो है वहाँ लीड किया। तो जब उनको अरेस्ट कर लिया गया था उसके बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा महिलाओं को लीड किया गया था। और इससे आगे सरोजिनी नायडू ने जो है जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में 1931 में, सी पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस अलोंग विद गांधी एंड मदन मोहन मालवीय। और अगर हम इस फहरिस्त को और आगे बढ़ाएं तो हमें ऊषा मेहता का नाम मिलता है जिन्होंने कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी 1942 में, जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और ज़्यादातर लीडर जो है वे अंडरग्राउंड हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट में इन महिलाओं की भागीदारी या भूमिका दिखाई देती है, इनका कंट्रीब्यूशन है। दूसरी ओर इसी दौर में कुछ क्रांतिकारी महिलाएं भी हुई। इन क्रांतिकारी महिलाओं में, इन रिवॉल्यूशनरी फीमेल्स में सबसे पहला नाम आता है मैडम भिकाजी कामा का। तो मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है भारतीय झंडे को फहराया था, सी अनफोल्ड द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एट स्टुटगार्ट जर्मनी। और उसके बाद जो है कुछ रिवॉल्यूशनरी महिलाएं बंगाल से बिलोंग करती हैं, जिनमें से प्रीति लता और कल्पना दत्त का नाम सबसे पहले लिया जाता है। प्रीति लता और कल्पना दत्त वे महिलाएं थीं जिन्होंने 1930 में, यानी कि 1930 में चिटगांव आर्मरी रेड में भाग लिया, यानी कि चिटगांव शस्त्रागार कांड में भाग लिया था। और इनमें से कल्पना दत्त जो है सूर्या सेन के साथ पकड़ी गई थी और उन्हें आजीवन कारावास यानी कि लाइफ सेंटेंस दिया गया था। और जो प्रीति लता थी वे आगे जो है चिटगांव में एक रेड में मारी गई थी। इसके अलावा दो और महिलाओं के नाम मिलते हैं जिनमें सुनीति चौधरी और शांति घोष थी। सुनीति चौधरी और शांति घोष ने दिसंबर 1931 में कोमिला के एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को की हत्या कर दी, उनको गोलियों से भून दिया। और इन दोनों बालिकाओं ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की फांसी का बदला लिया था। इसके बाद जो है एक और महिला का नाम आता है बीना दास। 1932 में बीना दास ने भी जो है जब कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो रहा था, अर्थात कॉन्वोकेशन हो रहा था और उन्हें डिग्री दी जा रही थी, तो बीना दास जो है अपने दुपट्टे के नीचे रिवॉल्वर दबाए हुए आगे स्टेज पर बढ़ती हैं और उन्होंने जो गवर्नर था स्टैनली जैक्सन उस पर गोली चला दी। तो यहाँ हम देखते हैं, इसके अलावा दुर्गा भाभी का नाम लिया जाना चाहिए। दुर्गा भाभी जो है एक फेमस क्रांतिकारी या ग्रेट रिवॉल्यूशनरी भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी और दुर्गा भाभी ने ही सभी क्रांतिकारियों के लिए वो खाना बनाती थी, उनके कपड़े धोती थी, उनके लिए इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ जो है कम्युनिकेट करती थी, ट्रांसपोर्ट करती थी। और कई बार उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जान बचाने में उनकी मदद की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे इस पूरे नेशनल मूवमेंट में इन महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी थी और इसलिए जो है इन्होंने इस तरह हमने देखा कि किस तरह से भारत में एक लंबा मूवमेंट चला इन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।